तो हमने सोचा है कि हम अपनी गाड़ी का नाम रखें। अरे रुक जा रुक जा रुक जा। टू थ्री भाई, आज दोनों चाबी निकाली हमने, दोनों नहीं इनफैक्ट तीनों। कौन सी तीसरी दिखाता हूँ। हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तीनों गाड़ियाँ चकाचक चमक रही हैं, हाँ, बट अभी अपन इसको निकालेंगे क्योंकि अपने को जाना है BMW के शोरूम। अरे खुल गई, अच्छा हाँ सॉरी सामने आ गया था ना। तो जी हमारे पास है तीन चाबी, एक तो ये जो कि कार्ड के फॉर्म में है, ये डिजिटल की है, ठीक है, ये अपने वॉलेट में आप रख सकते हो, ठीक है, आपको चाबी एक्चुअल चाबी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमारे पास दो ये चाबी। तो जी यहाँ से दिखा रहा है 52 मिनट्स, मतलब ऑलमोस्ट 2 बजे तक अपन पहुँच जाएंगे। और भाई को भी हमने कहा था कि 2 बजे तक ही हम आपके पास आएंगे, तो अब यहाँ से सीधे चलते हैं रजौरी। काफ़ी दूर है यार, मतलब शोरूम का होना ना, शोरूम और सर्विस सेंटर ना आपके घर के पास होना चाहिए। प्लस अपना ट्रिप बहुत ही अमेजिंग था, अभी भी 11.4, मतलब जो कल एवरेज आ रहा था वही दिखा रहा है। बाकी हम चाबी लेके BMW क्यों जा रहे हैं वो तो जब वहाँ पे जाएंगे तब आपको बताएंगे, अभी तो फिलहाल यहाँ से डिस्टेंस जो है काफ़ी लंबा है, धीरे धीरे करके कवर करेंगे। रोड्स हमारे तरफ के बहुत ख़राब है ना, अच्छे रूट्स बिल्कुल नहीं है। और गुड न्यूज़ है, मतलब परसों हम निकल जाएंगे अपने 4-5 दिन के इंटरनेशनल ट्रिप पे। अब वो ट्रिप क्या है क्यों है वो तो जैसे टाइम आएगा वैसे आपको बताएंगे, बट ये है कि हम डेफिनेटली जा रहे हैं। और कल शायद, मतलब जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब हम शायद ये गाड़ी PPF के लिए छोड़ दें, बिकॉज अभी क्या है ना कि इस पर PPF नहीं है। और हमारे जो भैया है ना, रगड़ रगड़ के कपड़ा मारते, सफाई बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। तो भैया के जो कपड़े हैं वो एक्चुअली टायर पे भी वही सेम कपड़ा यूज होता है और बॉडी पे भी सेम कपड़ा यूज होता है। तो हम नहीं चाहते कि हमारी इतनी प्यारी गाड़ी में सॉइल मार्क्स आए, तो PPF मैंडेटरी है भाई। गाड़ी का नाम के लिए ना मैंने सजेशन मांगा था, इतने सारे नाम आए ना कि एक टाइम के लिए मैं भी कंफ्यूज हो गया भाई। एक नाम जो हमने फाइनल किया है जो इस गाड़ी के लिए रखेंगे वो बहुत ही अलग और बहुत ही यूनिक है, तो वो आपको थोड़ी देर में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, अभी बता देंगे तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा भाई। वीडियो में सस्पेंस रहना चाहिए, वीडियो के बीच में ही बताऊंगा मैं। ये देखो अभी बैटरी पे दिखा रहा है, ये जैसे मैं हल्का सा रेस दूंगा ना, ये देखो फिर RPM बढ़ता है। और यहाँ पे दिखा रहा है 62.2 किलोमीटर प्लस फ्यूल, मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ना 62.2 प्लस ये तेल का टंकी। अब इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है कि बैटरी पे, मतलब जो माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है उस पे ये 62 किलोमीटर चली है, इस वजह से मेरे को एवरेज ज्यादा दिया है, एवरेज अच्छा दिया है। लो जी एग्जैक्टली 45 मिनट्स में अपन पहुंच गए रजौरी। अब यहाँ पे गाड़ी की पार्किंग खोजनी इज इक्विवेलेंट टू भगवान खोजना। नहीं मिल गई भाई, पार्किंग मिल गई भाई, BMW के सामने मेरे को पूरी पार्किंग खाली दिख रही है भाई। आज तो भगवान मिल गए मेरे को, यहाँ तो पूरी पार्किंग खाली है गुरु, छाव में मिल जाती है। अरे छाव में मिल गई गुरु। ये पता है 69.7 क्या दिखा रहा है, पहले 68 कुछ था। ये मुझे लगता है ना, अभी आपने फिलिंग कब कराई है लास्ट? मैंने तो फिलिंग जब जयपुर में था तब कराई थी। और अभी आप लास्ट कितने गाड़ी चला रहे हो? 300 किलोमीटर चला लिया। नहीं, अभी स्टार्ट कहां से करी थी गाड़ी? ये तो पहले से आ रहा है, ये अगर मैं इसको ट्रिप जीरो कर दूंगा ना, जैसे एवरेज दिखा रहा है, इसको जीरो कर दूंगा तो ये जीरो हो जाएगा। ये देखो जीरो हो गया ना, अब ये जीरो हो गया टोटल 1000 किलोमीटर, एग्जैक्टली 1000 किलोमीटर चला ली। तो ये नेक्स्ट वो होगा, ये रेंज होगी कि आपने लास्ट टाइम जब गाड़ी चलाई थी? नहीं वो नहीं है, फिलहाल हम एक टेस्ट ड्राइव, मतलब इसमें मेरे जो समझना था ना वो मैं दिखा रहा था। एंड भाई मुझे अभी एक्सपर्ट अपने जो BMW के एक्सपर्ट है वो बताएंगे कि एग्जैक्टली ये है क्या, क्योंकि मेरे को भी अभी नहीं समझ में आ रहा है कि बैटरी वो नीचे जाता है। देखो जैसे अभी नीचे गया, वो बैटरी पे नीचे जा रहा है, तो एग्जैक्टली बैटरी रीजनरेट हो रहा है, बैटरी से चल रहा है, क्या हो रहा है? 48 वोल्ट की बैटरी है ना। तो अब बेसिकली जो हमारा ये कार्ड है ना, इसको हम सेटअप कर रहे हैं ताकि कार्ड से ही हमें चाबी कैरी करने की ज़रूरत ही ना पड़े और कार्ड से ही अपना गेट अनलॉक हो जाए, सारी फंक्शन इसी कार्ड में हो जाए। तो इसको वायरलेस चार्जिंग पैड के ऊपर अभी रखना है और उसके बाद फिर ऐप में जाके कुछ कुछ तो करना है, अभी भाई कर रहे हैं वो। बाकी ये वाला फंक्शन मेरे को समझ में आ गया, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें क्या है ना भाई कि ये कोस्टिंग मोड है,
तो बेसिकली कोस्टिंग मोड में क्या होता है ना कि जब आप ना एक्सीलेटर छोड़ते हो तो आरपीएम जीरो हो जाता है और बैटरी चार्ज होती है, प्लस ये जो नंबर्स है ना वहां पे 68 जो मैं नंबर बताया था वो नंबर है। जब आप इको प्रो में मतलब इफिशियंसी मोड में रहते हो ना तो 68 किलोमीटर्स आपने इफिशियंसी ज्यादा निकाली कंपेयर टू कंफर्ट मोड जिसपे नॉर्मली गाड़ी स्टार्ट होती है, और स्पोर्ट्स मोड में आप परफॉर्मेंस निकाल रहे हो गाड़ी से, इफिशियंसी आपको इको प्रो में आएगा। आपने स्कूटर अगर चलाया तो स्कूटर में फोर्थ गियर लगाओ, स्पीड बढ़ा दो, फिर क्लच दबा दो, तो स्कूटर ना धीरे धीरे ब्रेक नहीं मारता। तो एग्जैक्टली वो चीज है, उसको कोस्टिंग मोड कहते हैं। मतलब स्कूटर जिन्होंने चलाया, बाइक जिन्होंने चलाना, गियर वाली बाइक, ऐसा नहीं स्कूटी, गियर वाली बाइक अगर आपने चलाया तो आपको पता होगा कि भाई फिफ्थ गियर में 60 की स्पीड करो फिर क्लच दबा दो, तो सेल करते हुए गाड़ी जाती है। तो एग्जैक्टली वो चीज है भाई। एक उसमें छोटा सा एरर है, मुझे भाई ने बताया अभी कि आरपीएम कभी जीरो नहीं होगा, बट ऑब्वियस बात है यार गाड़ी का आरपीएम जीरो होगा तो इंजन तो ऑफ हो जाएगा। आरपीएम एकदम इतना मिनिमलिस्टिक हो जाता है ना कि गाड़ी का बस इंजन रन कर रहा है, तो आरपीएम पूरा बंद नहीं होता बट सबसे कम हो जाता है, मतलब फ्यूल जिसमें सबसे कम लगे, राइट। अभी ठीक है, मैं थोड़ा बेवकूफ हूं ना, बाकी ये हो गया। अच्छा अभी फोन हो रहा है, तो बेसिकली फोन भी जेब में रहेगा तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी मेरी, गाड़ी अनलॉक हो जाएगी, अनलॉक स्टार्ट नहीं होगी, गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो स्टार्ट भी हो जाएगी, बाहर से जब आप गाड़ी को अप्रोच करेंगे, मतलब जेब में फोन है तो गाड़ी के पास गया, चाबी नहीं है मेरे पास, तो गाड़ी अनलॉक हो जाएगी, योर फोन विल बी द की, माय फोन विल बी द की, और ये भी नहीं है मेरे पास तब भी चलेगा। तो मेरे पास अब बेसिकली चार चाबी है, एक चाबी मेरा फोन, दूसरा चाबी, तीसरा, चौथा, करेक्ट। बहुत महंगा फोन है, 80 लाख रुपए का हो गया ये आईफोन, 80 लाख रुपए का फोन हो गया। और भाई ये है अपनी गाड़ी की पूरी फाइल, डीडी, रोड टैक्स वगैरह सब चीज, तो ये लेके हमें जाना है चंडीगढ़। अभी अपने पास अभी 30 दिन का टाइम है, जब से गाड़ी से डिलीवरी ली ना उसके बाद 30 दिन का टाइम रहता है, तो फिर पेनल्टी लगना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी सारी चीज़ें भाई नोट कर रहे हैं, मैं इनको एक्नॉलेजमेंट दूंगा कि हाँ आपने मुझे ये सारी चीज़ें दी हैं और मैं आपको आरती की कॉपी ला के दूंगा। अरे रुक जा भाई, देखो एकदम सटाई दी यार, घनचक्कर आदमी यार, देख रहा उधर और चला रहा है सीधा, बेवकूफ कहीं का। तो दूसरा क्या बोल रहा था भाई, बुलवा दिया ना बेवकूफ आदमी, डरा दिया, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज बढ़ गई, मैंने कहा मार दिया भाई, इसने मार दिया। अब देखो बहुत बार ऐसा होता है ना कि जब आप गाड़ी में ड्राइव करते हो तो अपना वॉलेट और फोन डेफिनेटली आप जेब में नहीं रखते, साइड में जो भी पॉकेट वॉकेट रहता है ना डोर के साइड में या फिर मेन जो आपका कंसोल एरिया वहां पे रखते हो। और बहुत बार ऐसा होता है ना कि कभी गाड़ी से आप उतरे तो फोन और वॉलेट गाड़ी में रह जाता है, गाड़ी की चाबी आपके पास रहती है, चाबी हमेशा हम गाड़ी से निकाल के उतरते, कभी कभी तो चाबी भी भूल जाते, बट फोन और वॉलेट तो ऐसी चीज है ना कि जो प्राइमरली बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं गाड़ी में ही चक के भूल जाता हूँ कि भाई अरे थोड़े तक तो जा रहे हैं, यहां तक इससे मिल रहे हैं, मतलब एक थोड़ा सा उतरे और गाड़ी में भूल गए। अब भाई अगर मैं गाड़ी में डिजिटल की रखूंगा या फिर गाड़ी में अपना मेन फोन रखूंगा और गलती से मैं भूल गया तो गाड़ी लॉक कैसे होगी, फिर तो गाड़ी खुली तिजोरी है, कोई भी लूट सकता है। सो गाइज, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर इन दिस वीडियो, लेट मी इन्फॉर्म यू अबाउट Budmo.com। सो Budmo.com इज द बिगेस्ट स्पेयर पार्ट एक्सपर्ट इन इंडिया। इनके पास छोटी से बड़ी से बड़ी गाड़ी का स्पेयर पार्ट अवेलेबल होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे जो स्पेयर पार्ट अपनी गाड़ी के लिए चाहिए वो सर्विस सेंटर या लोकल मैकेनिक शॉप पे अवेलेबल नहीं रहता है, तो उस केस में मैं Budmo के साइट पे जाके अपनी गाड़ी का मॉडल और मेक सेलेक्ट करके वो स्पेयर पार्ट अपने घर पे डिलीवरी मंगा सकता हूँ। Budmo पे मुझे डिफरेंट कॉम्पोनेंट मैन्युफैक्चरर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं और ये ऑप्शन मिलने से मेरी प्राइसिंग में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। सो मैं अपने हिसाब से अपने कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को सेलेक्ट कर सकता हूं और वो प्राइसिंग चेक करके वो पार्ट अपने घर पे मंगा सकता हूं। एक बार वहां से पार्ट ऑर्डर करने के बाद जब पार्ट मेरे घर पे आता है और मुझे समझ में नहीं आता है तो दे हैव अ 10 डेज एश्योर्ड रिटर्न पॉलिसी जहां पे 10 दिन के अंदर मैं वो पार्ट रिटर्न कर सकता हूं। सो Budmo.com iOS और Android दोनों के लिए अवेलेबल है। मैं Budmo का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, गो चेक इट आउट। चलो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। बाकी जी ये आ गया जी अपना सिंपल सा खाना, जयपुर में हमने बहुत उटपटांग खाया, लाल मांस पता नहीं क्या क्या, तो अभी 2-3 दिन जब घर पे है ना एकदम सिंपल। तो भाई फिलहाल यहाँ से निकल रहे हैं, करण आया है, करण हेलो जी, हाउ आर यू? मैंने गाड़ी बाहर ही लगाई थी, मतलब आके ना अंदर नहीं लगाई थी, और कल एनीवेज ये गाड़ी दे देंगे भाई। okay. कैसा फील? ऑसम, इको से ज्यादा मजा आ रहा है स्पोर्ट्स मोड पे और अमेजिंग मजा है भाई। आज मैंने ना इसका डैश कैम का पूछा क्योंकि BMW का ओरिजिनल डैश कैम के भाई 60,000 रुपीस का डैश कैम था, 60,000 रुपीस खड़े हो गए मेरे 60,000।
भाई अपने साथ जुड़ी है एक 340i सेम कलर, मेरी गाड़ी उधर है, ये भाई की गाड़ी है, और ये देखो ये भाई इतनी मॉडिफाइड है ना, ये पुरानी वाली जनरेशन है। अब इसमें ना ये स्टीयरिंग आपको ना एकदम ही अलग दिख रहा होगा, ये प्योर कार्बन फाइबर है ना, ये प्योर कार्बन फाइबर ये भाई ने बाहर से है। इसका पेडल शिफ्टर देखो क्या जबरदस्त है यार, और ना इसको एक बार ना क्रैंक करते हैं फिर आपको एक चीज दिखाते हैं। मैं थोड़ा सा सीट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूं, ये हमने लगा दिया जी इसको स्पोर्ट, भाई आवाज सुन रहे हो, ओ भाई ये स्टीयरिंग का जो फील है ना प्रॉपर यहाँ पे दिखा रहा है कितने किलोमीटर्स तक चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं। और पता है इसमें ना एसी के बटन्स हैं, तो ये बटन फिजिकल बटन्स बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मेरी गाड़ी में ना एक्चुअली पूरा टच से है, तो बार बार ना आपका ध्यान उधर जाता है। बाकी भाई की गाड़ी भी एवरेज 6.7 का दे रही है, ये मेरी गाड़ी ना थोड़ा सा एवरेज ज्यादा देती है बिकॉज माइल्ड हाइब्रिड की वजह से। बाकी भाई इसका भी गजब ही फील आ रहा है ना अंदर से बैठ के ना, ये वाला जो ये पूरा एक क्लस्टर नहीं है बट फिर भी बहुत सुंदर लग रहा है। पूरा इंटेक चेंज हुआ है ये वाला, सुन रहे इंटेक की, हाँ भाई तो ये पावर भी ज्यादा प्रोड्यूस करती है ना, 400 BHP 410 भाई जबरदस्त है यार, जो प्यारी आवाज है ना यार, जो प्यारी आवाज है भाई, कैसी लगी चाबी तो दो भाई, ये क्या पूछ रहे हो आप हमसे, ये तो गलत सवाल पूछ रहे हो भाई, बड़ी चीज है ये तो, अल्टीमेट भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। हाँ भाई 1 2 3 भाई के पास जो मशीन है ना, यो मशीन ना उससे ऊपर लेवल की है, गजब बेइज्जती है, कंपनी ने पहले बढ़िया बना दी, बाद में थोड़ा सोच लिया उन्होंने, बेकार है तो पहले बढ़िया बना के दे दी भाई, गाड़ी दोनों है पर पावर इसमें ज्यादा है, बात देखो यार गजब आवाज आ रही है स्पोर्ट्स प्लस में ऑटोमेटिकली लॉन्च कंट्रोल एक्टिवेट हो जाता है, नहीं उसके लिए ट्रैक्शन ऑफ गियर स्पोर्ट्स पे, हाँ ये लिखा गया लॉन्च एक्टिव, हाँ ओ भाई साहब हाँ 5 बैठे हैं, पूरा वेट है गाड़ी में, नहीं चलो ऊपर, नहीं नहीं ऊपर ही ले लो भाई, ये अलग अलग चीज है यार, हाँ ठीक है ना, रेडी है ना भाई, यहाँ पे ना कुछ भाई एक चीज दिखाएंगे, अब मैं कैमरा अपनी तरफ से ना पूरी अच्छी तरीके से होल्ड कर लूंगा, अज्जू भाई उधर से वीडियो बनाएंगे, भाई ये अलग चीज है यार, भयंकर चीज है भाई, अब भाई ड्रिफ्ट मार के दिखाएंगे, जो पहले मारा था ना भाई बहुत भयंकर था, भाई देख लो लाइंस देख रहे हो भाई, ये सब और ये ऑल व्हील ड्राइव है, ऑल व्हील ड्राइव की ड्रिफ्ट देख रहे हो कितनी तगड़ी है, टू व्हील ड्राइव होती है भाई, पायलट भी तो है, M40 बॉय ऐसे ही ना लिखवा रखा भाई ने, हाँ ओ भाई क्या है
मैं तो डरता नहीं यार अपना रोज का है देखो फॉर्च्यूनर में यही करा है ओ भाई विकास भाई कैसा लगा अंदर अलग अलग भाई चलो करते इस वीडियो को यही पे खत्म क्या अमेजिंग शाम थी यार बहुत ही अमेजिंग भाई की गाड़ी देख के ना सीरियसली किलर बाकी मैंने ये बताया नहीं कि हम अपनी गाड़ी का नाम क्या रखेंगे वो मैंने सोचा लास्ट में बताऊंगा तो हमने सोचा है कि हम अपनी गाड़ी का नाम रखेंगे पुष्पा रुकेगा नहीं साला नहीं झुकेगा नहीं साला था बट अपना रुकेगा नहीं साला कमेंट करके बताना कि नाम कैसा है थोड़ा सा यूनिक थोड़ा सा अलग धन्नो पुष्पा पुष्पा धन्नो टैंक तो अभी वहीं पर है।